हमने पूछा था एक बार, या मैं सोचता हूँ अभी अपन एक बार छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में, क्या हमको क्या लगता है अगर आरसीबी आईपीएल जीत गई और इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई, तो क्या लगता है कोहली कैप्टन परमानेंट रहेंगे फिर, या फिर मतलब तब भी तो रोहित से कैप्टनसी के बारे में बात करेंगे? और पहले हमारी ऐसी बात हुई थी एक दोस्त से, तो भी यही कह रहा था कि अगर आरसीबी इस बार आईपीएल जीत गए, इंडिया वर्ल्ड T20 जीत गए, दोनों के कैप्टन कोहली है, तो क्या फिर कोहली के कैप्टनसी पर कोई सवाल उठेंगे उसके बाद? नहीं उठने चाहिए फिर, क्योंकि जनता यही पब्लिक यही चाहती है कि आप ट्रॉफी ले आओ घर पे। अब लेकिन आईपीएल की बात अलग है, अगर आप T20 की बात करो, T20 की बात बिल्कुल सही हो गई ना, तो पब्लिक को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक बोलती क्यों है कि आप 2017 से आप कैप्टन है, 2016 में धोनी ने छोड़ी थी आई थिंक, 2017 या 16 में छोड़ी थी, उसके बाद से आप कैप्टन है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली, WBC फाइनल भी खेल दिया, उसके बीच में 2019 का वर्ल्ड कप भी खेल गया, तीनों के अंदर विराट कोहली नहीं ला पाए, इसलिए पब्लिक कह रही है कि आप रोहित शर्मा को कैप्टन बनाइए। तो अगर इस मेन बार बात आईपीएल सही भी हो अभी जाती तक है, नहीं जीता पाया, अगर हाँ दोनों और ही जीत गए आईपीएल इस साल तो फिर है भाई चांस, दोनों और जीत गया तो यूएई वही में ही है, है देख, दोनों यूएई में ही है यार, अगर आप जीत भी सकते हो, बट दोनों मुझे जीत गए लगता है तो फिर विराट कोहली के कोहली के हेटर्स मजे कम हैं। हो जाएंगे, देखो यार हेटर्स अब कम हो जाएंगे, चाहे कोहली के पास अब लास्ट मौका है, देखो मेरे हिसाब से दो मौके मिल गए आपको अब प्रूव करने के लिए दोनों T20 और एक ही जगह, और अगर आप दोनों जीत गए तो आप फिर परमानेंट कैप्टन रहोगे मेरे हिसाब से, फिर कोई हटा नहीं सकता। परमानेंट ही रह सकते हैं फिर तो कोई पब्लिक सवाल भी नहीं उठा सकते, आपके पास सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ जाए, आईपीएल की भी आ जाए, आरसीबी के लिए भी अच्छा है, तो कोहली के फैंस तो भाई मजे ही होंगे उनके, और जो रोहित के फैंस है वो थोड़े से खफा हो सकते हैं कि हमारे रोहित को मौका नहीं मिलेगा कैप्टनसी में। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, जो आपका क्वेश्चन है, तो उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल उठाएगा कोहली की कैप्टनसी पे। दो तीन क्वेश्चन और,